कितना ही पुराना से पुराना दर्द हो घुटनों में, एक ही रात में इससे बहुत आराम आता है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसको ज़रूर से बनाएं और ट्राई करें। मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी औषधि जो बहुत ही आसानी से घर पर बन जाती है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। आप ध्यान रखें गुड़ पुराना वाला हो, जो ज़्यादा ब्राउन कलर का आता है वो लें। गुड़ क्या होता है, बहुत ही आसानी से टूट जाता है, तो हमें इसे छोटा छोटा टुकड़ा कर लेना है। या तो आप चक्कू से काट लें या इसे यूं ही चूर लें। गुड़ क्या होता है, हम गुड़ का इस्तेमाल इसमें इसीलिए करते हैं क्योंकि एक तो गुड़ गर्म होता है और दूसरा गुड़ से बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है। मतलब जो हम दवा बनाएंगे, जो हम पेस्ट बनाएंगे इसके ऊपर लगाने के लिए, ये उस पर प्लस्तर का काम करेगी। जैसे प्लस्तर बाइंडिंग करके रखता है, उसी तरह से गुड़ भी हमारे लेप को लगा कर अच्छे से रखेगा। ये देखिए, इस तरह से हमें एक चम्मच गुड़ ले लेना है। अब यहाँ पर हम लेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर बहुत ही एंटीबैक्टीरियल होता है, सबको पता है कि ये कोई भी तरह का दर्द हो उसको खींच लेता आसानी से, और अपने आप में ये एक एंटीबायोटिक है, तो ये काफ़ी हमारा दर्द कम करता है। वो हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच हल्दी। ये बहुत ही सेफ औषधि है, बच्चे बूढ़े कोई भी इसे लगा सकते हैं, इसमें कोई तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब हम लेंगे यहाँ का मेन इंग्रेडिएंट चूना। ये किसी भी पान दुकान में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा चूना। और चूना एक ऐसा चीज़ है, जब हमारे चोट लग जाती है तो उस चोट पे सूजन आती है तो वो भी चूने से कम हो जाता है। कोई तरह का मोच आ जाए वहाँ पर भी अगर हम चूना लगाएँ तो कम हो जाता है। अगर हमारे गले में आवाज़ ख़राब हो गई है तो वहाँ पर हम चूना लगाएं तो भी हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर अच्छे से हमें चूना ले लेना है। पूरा मैंने समझिए एक चौथाई चम्मच चूना लिया है। ये एक ही औषधि को से आप, अगर आपके गर्दन में दर्द है तो आप गर्दन पेन पे भी इसको लगा सकते हैं, मतलब कि नेक पेन में, जॉइंट पेन में, कमर में दर्द में। ये बहुत ही फ़ायदे की रेमेडी है और बहुत ही सस्ते में घर पर आसानी से इसका मलहम बनाया जा सकता है। और ये आप चाहो तो थोड़ा सा चूना का क्वांटिटी और बढ़ा सकते हो जिस हिसाब से आपको ज़रूरत है, मगर चूना अपने आप में एक रामबाण है दर्द के लिए। यहाँ पर मैंने डाला है एक टीस्पून पानी और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देखिए ये हमारा जो औषधि है, जो पेस्ट है, इसे बहुत पतला नहीं रखना है हमें, मतलब इस तरह का फॉर्म रखना है कि ये चम्मच को कोटिंग कर ले, मतलब जिस पोर्शन में हम लगाएं पैर पे वहाँ पे ये स्टिक हो उस तरह से लगाना है हमें। देखिए बहुत पतला नहीं करना है, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। गुड़ को आप अच्छे से दबाते हुए मिला लें ताकि बाइंडिंग अच्छे से आ जाए। और कितना भी पुराना से पुराना दर्द हो घुटने का, इससे मतलब लगाने के बाद काफ़ी जल्दी हमें आराम आता है और बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। आप देखिए ये चम्मच में कोटिंग कर रहा है ना, इसी तरह ये हमारे पैर पर कोट हो जाना चाहिए। इस तरह की दवाई हमें ये तैयार करनी है। अब ये औषधि रेडी है हमारी। अब जानते हैं इसको हमें लगाना कैसे है। तो जहाँ पर आपको दर्द है, जैसे कि घुटने में मेरे पेन है, मैं यहाँ पर आपको लगा के बता रही हूँ, इसको हाथों से लेना है और इसको सर्कुलर मोशंस में इस तरह से हमें घुमाते हुए एक मिनट मसाज करते हुए जहाँ पर आपको पेन है उस जगह लगा लेना है। देखिए इस तरह से मैंने घुटने में लगाया है और लगाने के बाद आप इसको एक कपड़े से कवर कर दें ताकि इसमें गर्माश बनी रहे और जो आपका दर्द है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आप इसको रात को लें और ये आप जैसे एक हफ्ता तक करोगे आपको लगेगा 80% दर्द खत्म हो गया। इसी तरह देखिए मैंने गर्दन के दर्द पे भी इसको लगाया है। गर्दन में लगाकर हमें एक घंटे बाद इसको पोंछ देना है। ज़्यादा लंबा इसे हम गर्दन पे नहीं लगाएंगे। और ये जो नेक पेन हो जाता है हमारा, या कभी कभी पैर में स्वेलिंग आ जाती है, चोट लगने से सूजन हो जाता है, उस जगह लगाएंगे तो इस औषधि से बहुत ही आराम होगा। मुझे तो देखिए नेक में पेन रहता है तो मैं आपको नेक पे भी लगा के दिखा रही हूँ। बहुत ही काम का नुस्खा है ये दोस्तों, एक बार आप लोग इसको ज़रूर से ट्राई करें। इससे बहुत हमारा दर्द 90% ठीक हो जाता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी करें सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें नई नई रेसिपीज़ के लिए।